हजार सहायक का शिक्षक भर्ती का मामला याचिकाकर्ता ने कोर्ट पर रखा अपना पक्ष। कल यूपी सरकार भी रख सकती है अपना पक्ष। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। यूपी सरकार की मॉडिफिकेशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है। अमित दुबे जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर। अमित, क्या कुछ जानकारी? यूपी सरकार की तरफ से जो कहा गया था, जो कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट मांगी थी कि जो 40 और 45% से ऊपर के जिन अभ्यर्थियों के नाम है उनकी पूरी लिस्ट दी जाए और गोपनीय तरीके से लिस्ट देने की बात कही गई थी, यूपी सरकार की तरफ से वो लिस्ट दे दी गई। और यहाँ पे अब यूपी सरकार की तरफ से सबसे बड़ी कोशिश की जो 37,339 वैकेंसी जो कि आरक्षित कर रखी थी, रिजर्व की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन भर्तियों को भी यूपी सरकार अपने दायरे में लाना चाहती है, इन्हीं भर्तियों के साथ उन्हें करना चाहती है। और आज जो है लगभग 2 घंटे से ज्यादा ये बहस चली, लेकिन तब भी उसके बाद भी बहस पूरी नहीं हो सकी। कल फिर एक बार बहस होगी और कल यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। और आज जिस तरह लगातार शिक्षा मित्र कह रहे थे कि कहीं ना कहीं यूपी सरकार उस चीज की अनदेखी कर रही, शिक्षा मित्र इतने सालों से काम कर रहे हैं और वो उसकी यूपी सरकार अनदेखी कर रही, सुप्रीम कोर्ट को ही मामले पे संज्ञान लेना पड़ेगा, जब ये शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। लेकिन अब यूपी सरकार का नंबर है तो यूपी सरकार अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरह भर्ती हो रही है, न सिर्फ पूरी प्रक्रिया बताएगी बल्कि इन आरक्षित भर्तियों को भी जो रूटीन भर्ती है इनमें शामिल कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार ने आदेश, यूपी सरकार के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है। अमित दुबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर। अमित, क्या कुछ जानकारी? यूपी सरकार की तरफ से जो कहा गया था, जो कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट मांगी थी कि जो 40 और 45% से ऊपर के जिन अभ्यर्थियों के नाम है उनकी पूरी लिस्ट दी जाए और गोपनीय तरीके से लिस्ट देने की बात कही गई थी, यूपी सरकार की तरफ से वो लिस्ट दे दी गई। और यहाँ पे अब यूपी सरकार की तरफ से सबसे बड़ी कोशिश की जो 37,339 वैकेंसी जो कि आरक्षित कर रखी थी, रिजर्व की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन भर्तियों को भी यूपी सरकार अपने दायरे में लाना चाहती है, इन्हीं भर्तियों के साथ उन्हें करना चाहती है। और आज जो है लगभग 2 घंटे से ज्यादा ये बहस चली, लेकिन तब भी उसके बाद भी बहस पूरी नहीं हो सकी। कल फिर एक बार बहस होगी और कल यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। और आज जिस तरह लगातार शिक्षा मित्र कह रहे थे कि कहीं ना कहीं यूपी सरकार उस चीज की अनदेखी कर रही, शिक्षा मित्र इतने सालों से काम कर रहे हैं और वो उसकी यूपी सरकार अनदेखी कर रही, सुप्रीम कोर्ट को ही मामले पे संज्ञान लेना पड़ेगा, जब ये शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। लेकिन अब यूपी सरकार का नंबर है तो यूपी सरकार अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरह भर्ती हो रही है, न सिर्फ पूरी प्रक्रिया बताएगी बल्कि इन आरक्षित भर्तियों को भी जो रूटीन भर्ती है इनमें शामिल